कानपुर घाटमपुर उपचुनाव में मंगलवार को बसपा प्रत्याशी कुलदीप संखवार के समर्थन में बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा पहुंचे। मिश्रा ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के शासनकाल की जमकर आलोचना की। बसपा नेता ने कहा कि योगी के कार्यकाल में व्यापारियों का व्यापार शून्य में पहुंच गया है। भाजपा ने नोटबंदी व GST जैसे नियम लाकर व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। सिर्फ विकास के नाम पर जनता को झूठे वादों के बल पर बरगलाया जा रहा है। वर्तमान समय में सबसे अधिक परेशानी में देश का किसान है। आज किसान की आय का साधन भी समाप्त हो गया है। स्थिति यह है कि परेशान किसान आज प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है, जबकि प्रदेश सरकार किसानों को कागजों में समृद्ध बनाने में लगी है। भाषण के दौरान नेता ने अपनी सरकार की भी उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जब हमारी सरकार थी तब 1,00,000 नौजवानों को नौकरियां दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार नौकरी तो दूर की बात है, काम करने वाले लोगों की भी नौकरियां जा रही हैं। उनके घाटमपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि आज एक मौका और आया है, वे अपने वोटों से संखवार को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे बहन मायावती के हाथों को मजबूती मिल सके। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो कानून का राज की जगह कानून का खिलाफ राज्य चल रहा है, जिस तरह से आतंक फैला हुआ है, जिस तरह से विकास की जगह विनाश हो रहा है, जिस तरह से हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जब बिक्रू में कांड हुआ, आपने बताया नाबालिग बच्चे का इनकाउंटर कर दिया गया और खुशी को सजा दे दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण? देखिए, उसके बारे में हमने कहा है कि ये इस तरह का काम कि एक नाबालिग को आप गोली मार दीजिए और कानून हाथ में लेके मार दीजिए, और जिस तरह से एक बेटी को आपने अंदर बंद कर रखा जो 4 दिन पहले ब्याह के आई थी, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है, गलत काम। बसपा इस बार उपचुनाव में क्या मुद्दे लेके आई है, किस ये अभी आपको बताया हमने, इन मुद्दों को लेकर क्या है।